अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारतवासियों, भाइयों, बहनों, दोस्तों और साथियों, एक जंगल में शेर और शेरनी रहते थे। शेरनी को एक बच्चा हुआ, लेकिन इत्तफाक ये हुआ कि शेरनी को दूध नहीं पैदा हुआ, इसलिए उसका बच्चा भूख से तड़फ रहा था। शेर और शेरनी बहुत चिंतित थे कि बिना दूध के हमारा बच्चा मर जाएगा। इस जुगाड़ में वो रहे कि कोई तो मिल जाए जो हमारे बच्चे को दूध पिला दे ताकि वो जिंदा रहे, ये अगर कोई एहसान करता हो तो बहुत अच्छा हो। शेर और शेरनी तलाश में निकल गए कि कोई मिल जाए जो मेरे बच्चे को दूध पिला दे। एक बकरी उनको नज़र आई, दोनों उनके पास गए बकरी के पास, और बहुत ही प्यार मोहब्बत से, बहुत ही शफ़क़त के साथ दोनों ने उससे बात की और अपनी मनसा जाहिर की कि बकरी भी, मेरी शेरनी को दूध नहीं हो रहा और मेरा बच्चा भूख से तड़फ रहा है, अगर तुम मेरे बच्चे को दूध पिला दो तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी और यह एहसान तुम्हारा हम कभी नहीं भूलेंगे। बकरी ने कहा कि भाई तुम तो शेर हो और बकरी तुम्हारा खुराक होती है, मैं कैसे तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, तुम्हारे बच्चे को कैसे दूध पिला सकती हूँ, तुम लोग तो मुझे चीड़ फाड़ कर खा जाओगे। शेर शेरनी ने कहा कि बकरी भी हम पर एहसान करो और हम एहसान के बदले में तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, तुम्हें खाएंगे नहीं, तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि उल्टा दूसरे जानवरों से भी तुम्हें बचाएंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हम पर यकीन करो, हम पर मेहरबानी करो, हमारे बच्चे की जान बचा लो। बकरी को रहम आ गया, बकरी ने उनकी बात मान ली और उनके साथ चल दी। अब बकरी शेर के बच्चे को दूध पिलाती रही। शेर शेरनी और उनका बच्चा और बकरी एक साथ रहने लगे, जंगल में एक साथ घूमने लगे। बकरी को कोई खतरा नहीं रहा क्योंकि उनके रखवाले शेर और शेरनी थे, इसलिए बेखौफ होकर के वो अपनी जिंदगी गुजारने लगी। ये सारा माजला सारे जंगल के चिरंद परिंद जानवर सभी लोग देख रहे थे कि ये बड़ा अजूबा है कि शेर और बकरी एक साथ घूम रहे हैं जंगल में, बिना खौफ के, बिना डर के बकरी भी हंसी खुशी मजे ले रही है। आखिर इसका माजरा क्या है, मामला क्या है? इस पर एक बगुला ने हिम्मत किया और वो जाकर के बकरी के पीठ पर बैठ गया और पूछा, बकरी भी ये मंजर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि शेर और बकरी एक साथ कैसे रह सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, कैसे चल फिर सकते हैं, और तुम बिना खौफ, बिना खतरे के आराम से पूरे जंगल में घूम रही हो, शेर शेरनी तुम्हारे साथ होते हैं, उसका बच्चा तुम्हारे साथ होता है, ये माजरा किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें बताने की मेहरबानी करो। बकरी ने कहा कि मामला ये है कि हमने शेर और शेरनी पर एहसान किया है, उसके बच्चे की जान बचाई है, इसलिए वो हमें कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, मुझे मार नहीं रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा मेरी हिफाजत कर रहे हैं दूसरे जानवरों से। एहसान बहुत अच्छा होता है, हर किसी को एहसान करना चाहिए। बगुला ये राज जानने के बाद चला जाता है। एक दिन इत्तफाक से वो अपने तालाब में अपना शिकार कर रहा था कि उसने देखा कि एक चूहा पानी में डूब रहा है, तालाब में डूब रहा है और तड़फ रहा है अपनी जान बचाने के लिए। बगुले को बकरी की बात याद आ गई कि किसी की जान बचानी चाहिए, किसी पर एहसान करना चाहिए, अच्छी बात है। उसने भी चूहे को अपने चोंच में पकड़ा और उसको लाकर तालाब के बाहर सूखी जमीन पर छोड़ दिया। अब चूहे ने बगुले के पैर पर हमला कर दिया, उसका पैर पकड़ लिया और काटने लगा, यहाँ तक के बगुले का पैर जख्मी हो गया, खून बहने लगा, लहूलुहान हो गया और तड़पने लगा। बहरहाल बगुले की छटपटाहट और कोशिश से उसका पैर छूट गया। अब वो जाकर के एक पेड़ पर बैठा और सोचने लगा कि भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं किया चूहे के साथ में, वो मर रहा था, डूब रहा था, मैंने तो उसको बचाया, उसकी जान बचाई, मैंने उस पर एहसान किया, अब उसने तो मुझ पर हमला कर दिया, मेरे पैर काट लिए, मुझे जख्मी कर दिया, मुझे लहूलुहान कर दिया, तो ये तो बकरी के बहकावे में मैं आ गया, इसलिए ये गलती हो गई और मुझे तकलीफ उठानी पड़ रही। फिर बगुले के समझ में आया कि फिर से जाता हूँ बकरी के पास
और उससे कहता हूँ कि भाई तुमने मेरे साथ क्यों दुश्मनी अदा की, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें गलत रास्ते पर डाल दिया, गलत सुझाव दे दिया। ये देखो हमने भी एहसान किए, किसी की जान बचाई, तो जान बचाने के चक्कर में ये देखो मेरी हालत क्या हो गई। बगुला फिर बकरी के पीठ पर जाके बैठा और कहा, बकरी भी देखो ये चूहा डूब रहा था, मर रहा था, हमने उसकी जान बचाई और उसने जो है मुझे जख्मी कर दिया, लहूलुहान कर दिया। आखिर मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें गलत मशवरा दिया, गलत सलाह दे दी, जिससे मैं जख्मी हो गया। बकरी ने कहा, हाँ मुझसे ये चूक हो गई है, मुझसे ये भूल हो गई है। एहसान करना तो हमने बता दिया कि अच्छा काम है, एहसान करना चाहिए, मगर ये बताना भूल गई कि कमजोर पर कभी एहसान नहीं करना। कमजोर पर एहसान करोगे तो उसका यही बदला मिलेगा। भाइयों, देशवासियों, दोस्तों और साथियों, यहूदी कौम बर्बाद हो चुकी थी, हिटलर ने उन्हें बर्बाद कर दिया था, पूरी दुनिया में उन्हें रहने के लिए उनका अपना कोई देश नहीं था, उनका मुकाम नहीं था, वो दर दर भटक रहे थे, परेशान हाल थे वो। मगर फिलिस्तीनियों ने जब देखा, उनको रहम आया यहूदियों पर, और इंसानियत के नाते फिलिस्तीन के मुसलमानों ने यहूदियों को बसने के लिए अपने यहाँ कुछ जगह दी कि आइए यहाँ पर बस जाइए और यहाँ पर इत्मीनान से रहिए। उसके बदले में इन कमजोर और नालायक यहूदियों ने फिलिस्तीन की जमीन को हड़पने लगे, उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करने लगे, उनकी इज्जत आबरू से खेलने लगे, फिलिस्तीनी मुसलमानों का जीना दूभर करने लगे, जिसका मंजर आप आज भी देख रहे हैं। वही यहूदी कौम कमजोर को हमारे देश में, भारत देश में, हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की कोशिश की गई है। किसी हद तक वो यहाँ पर शामिल हो चुके हैं, यहाँ के सिस्टम में आ चुके हैं। देशवासियों को और देश के लीडरशिप को बताना चाहता हूँ कि उनसे सावधान रहें, उन पर मेहरबानी करना, उन पर एहसान करना, उनसे कोई फायदे की उम्मीद रखना गलत होगा। वो धीरे धीरे अपना कब्जा जमाएंगे और हमारे हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए गुजारिश है देश की जनता से, देश के लीडरों से, कि यहूदी जो भी देश में आए हैं उनको यहाँ से निकालने की कोशिश करें और उनके जो भी कारनामे हैं उनसे मुतासिर ना हो, वरना धोखा होगा देश को, धोखा होगा देशवासियों को, धोखा होगा हमारे कारोबार को, धोखा होगा हमारे रोजगार को, धोखा होगा हमारी जिंदगी को, धोखा होगा हमारे कल्चर को, धोखा होगा। इसलिए उनसे सावधान रहने की जरूरत है और उनसे बचने की जरूरत है। जय हिंद।